आज किराया लेके जाऊंगा। लगता है ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगे, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। वसूली भाई आपको लगी तो नहीं? अबे कमीने, कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? वसूली भाई मैं टीवी देख रहा था। कहाँ है वो तुम्हारे कमीने दोस्त? 4 महीनों का तुमने किराया नहीं दिया, आज मैं मकान का किराया लेके जाऊंगा। वसूली भाई इतना गुस्सा ना क्या करें, अभी आपने गुस्सा किया और गिर गए। मुझे आज मकान का किराया चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान उठा के गली में फेंक दूंगा। दे देते हैं किराया वसूली भाई, चलो। ये 4 तो मेरे गले पड़ गए, न तो मेरा मकान खाली करते हैं, ना मैं किराया देते हैं। आज फैसला खूब की रहेगा। अबे कमीनो, पहले मेरी कमर तोड़ी, फिर मेरी आग फोड़ी। आराम से खेलना ना जी। माजरा चाहता हूँ वसूली अंकल। मुझे बस मकान का किराया दे दो, मैं घर जाता हूँ। ऐसे कैसे वसूली अंकल, चाय पानी पी के जाना, चलो। वसूली अंकल, मुझे किराए के पैसे दो, मैं जाऊँ। पहले कभी मिला है आपको किराया जो आप नहीं देंगे? इसका मतलब है दे देंगे किराया, जल्दी दे देंगे। आप बैठे, पानी ले आ। पानी ले आ भाई। क्या हुआ वसूली अंकल को? कमीनों ने पहले कमर तोड़ी, फिर आग पड़ी, अब तो टांगे भी तोड़ दी। उम्र सारी हमसे ऐसे हादसे नहीं देखे जाते। कमीनो तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ? मुझे मार के दम लोगे? मुझे किराए के पैसे दो, मैं जाऊं। वसूली अंकल, हमारे पास पैसे होते तो हम ये चारपाई न बनवा लेते, पैसे तो नहीं है। हमने जानबूझकर आपको इस टूटी हुई चारपाई से गिराया है, ताकि आपको पता चले हम कैसे इन टूटी फूटी चीजों से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जानबूझ के गिराया मुझे? कैसे तुम उल्लू के पट्टे हो? मैं तुम्हारा मकान मालिक हूँ। मकान मालिक तो हो, लेकिन हो बड़े बेशरम। हर महीने हम गरीबों से किराया मांगने आ जाते हो। बेशरम भी मैं हूँ कमीनो, 4 महीने से तुमने किराया नहीं दिया, अब तुम क्या चाहते हो मैं किराया मांगने भी ना आऊं? ऐसे करता हूँ, ये मकान मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी कागज लाता हूँ, अंगूठा लगा दो। रुक, मुझे अभी के अभी किराया चाहिए, नहीं तो अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। ओह नो। ऐसा ना कर वसूली, तूने अगर हमें इस घर से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम कमीनों के रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ चले जाना। कहाँ पे? पहाड़ में। वसूली अंकल, हम ये मकान नहीं छोड़ सकते, हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही पुराना पंखा पड़ा है, उसको कबाड़ में बेच के 1-2 महीने का किराया पूरा कर लो। मैं तुम्हें कबाड़िया लगता हूँ? लगते तो हो। मैं ये कबाड़ के पंखे में कह नहीं लेता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मेरा मकान खाली कर दो। वसूली भाई, वसूली भाई, वसूली भाई, कहाँ जाएंगे हम बेचारे दर्द के मारे? पंखा ले ले वसूली, पंखा ले 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 ले। वसूली भाई किराए के पैसे नहीं है, पंखा ले ले। अच्छा छोड़ो, मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा है, कहाँ है वो पंखा? चलो दिखाता हूँ। चलो, तुम भी ना कमीने, देख के चलो ना। ये देखें वसूली भाई, बड़ा ही शानदार पंखा है, मेरी अम्मा को जहेज में मिला था। पंखा तो ठीक है, बिक जाएगा 4-5 हज़ार रुपए का। तो फिर देख क्या रहे हैं वसूली भाई, ले जाएं इस पंखे को। Oh no! क्या हुआ वसूली भाई? लगता है वसूली भाई को करंट लग गया है। तो कोई बात नहीं, जवानों को करंट लगते रहते हैं, किराया चाहिए ना आपको, ले जाए पंखा। मुझे नहीं चाहिए पंखा, नहीं चाहिए किराया, मुझे माफ करो वसूली भाई।